यह कहानी एक रहस्यमय और डरावनी जगह से जुड़ी है, जिसे गांव के लोग प्रेत बंगला के नाम से जानते हैं। यह बंगला गांव के किनारे स्थित है और कई सालों से लोगों के लिए एक खौफनाक स्थान बना हुआ है। इस घर से जुड़ी कहानियों में कहा जाता है कि रात के समय यहां से एक औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। जो भी इस घर के रहस्य को समझने या इसे चुनौती देने के लिए गया, वह वापस लौटकर नहीं आया। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह साहसी और तर्कशील स्वभाव का था और ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों की बातें और लोगों का डर उसे झूठा लगता था। उसने ठान लिया कि वह इस घर के पीछे छिपे रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस घर में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही अर्जुन और उसके दोस्त घर के अंदर पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि घर के भीतर कोई अदृश्य ताकत मौजूद है। घर के वातावरण में एक अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी थी। दीवारों पर लगे चित्र अपने आप गिरने लगे। छत पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। खिड़कियां खुद ब खुद खुल और बंद हो रही थीं। अर्जुन ने जब अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा तो उसे सीढ़ियों पर एक धुंधला सा साया दिखाई दिया। अर्जुन ने अपने दोस्तों को शांत किया, लेकिन इस घर के बारे में सुनी बातें उन्हें याद आने लगी। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह घर कभी एक औरत का था। उस औरत को उसके परिवार वालों ने धोखा देकर मार डाला था। कहते हैं कि वह औरत न्याय के लिए अपनी आत्मा के रूप में भटक रही है। उसकी आत्मा हर उस इंसान को अपनी कहानी सुनाना चाहती है जो इस घर में कदम रखता है, लेकिन उसकी कहानी सुनकर लोग डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं और वह औरत किसी को भी जाने नहीं देती। जैसे जैसे रात गहराई, डरावनी घटनाएं और बढ़ गईं। अर्जुन और उसके दोस्तों को महसूस हुआ कि वे इस जगह से सुरक्षित बाहर नहीं जा पाएंगे। अचानक घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार कोई अदृश्य ताकत उन्हें रोक रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने अर्जुन और उसके दोस्तों की लाशें घर के बाहर पाईं। उनके चेहरों पर खौफ के गहरे निशान थे। यह दृश्य गांव के लोगों के लिए एक नई चेतावनी बन गया। अब कोई भी उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि आज भी रात के समय उस घर से एक औरत के रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। उसकी आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में है और हर उस इंसान को अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करती है जो उस घर में जाता है। यह कहानी यह सिखाती है कि कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश करना इंसान के लिए घातक हो सकता है।